बच्चों के लिए पूछना था उनको कैसे अच्छा कर, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको मतलब ऐसे कैसे संस्कार दें, जब हम कुछ 17, 18, 20 साल के बच्चों को देखते हैं कि वो माता पिता के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, मानते नहीं उनकी बातें। अभी जैसे हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनको कैसे ऐसे ट्रेंड करें कि वो बड़े होके और हमारे साथ में गलत व्यवहार ना करें। आजकल सबसे बड़ा माँ बाप का जो प्रॉब्लम है परिवार में, कोई भी परिवार में, वो बच्चों का है। बच्चों की पढ़ाई का है, बच्चों के भविष्य का है कभी, और माता पिता के पास ही वो संस्कार नहीं है। समझने जाए ना, क्योंकि माता पिता को ही पता नहीं है कि बच्चे जब हाजिर होते हैं तो किस तरह से उनको व्यवहार करना चाहिए। जैसे किसी को कंप्यूटर आता नहीं है, रिद्धि कंप्यूटर आता नहीं है, और आप उसको कंप्यूटर के काम के लिए अपॉइंट करो जॉब के लिए, तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? फिर आप चिल्लाते रहेंगे कि इसको नहीं आता है, नहीं आता है, तो आपकी गलती है कि उसकी गलती है? इसलिए दादा भगवान ने क्या कहा, अनसर्टिफाइड फादर एंड मदर। ये समय के जो माँ बाप है, समझे, क्योंकि बच्चे जो भी है वो घर के अंदर क्या हो रहा है, उसके मम्मी पापा वो दोनों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है वो देखते हैं। आप जो बोलते हैं सुनते हैं, हम क्या समझते हैं, बच्चे क्या समझते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं है, नहीं, आपसे भी ज्यादा समझते हैं। तो किसी भी बात को जो है वो बच्चों को समझाना है, क्या करने का है, समझाना, उसको समझाना है कि देखो बेटे आप ये करेंगे तो ये होगा, फिर वो क्या लगेगा उसको पहले समझाओ। हम कोई भी बात बच्चों को समझाते नहीं है, करवाने जाते हैं। हू कहू एम तू कर, तू तारी मम्मी छो, तारो पप्पो छो, करवाने जाते हैं। आपके पर कोई जबरदस्ती करेगा तो आप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा नहीं लगता कोई, हाँ वो बच्चे है, समझाओ बच्चे को, समझाओ। मगर बच्चे के लिए आज माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है, है? कभी आधा घंटा बच्चे के साथ निकाला, स्कूल में एडमिशन ले लिया, ट्यूशन तय कर दिया, बस हमारा काम हो गया, मम्मी पर धक्का खाया करे। टाइम टाइम देना है। कभी जो हमारे अंदर होगा वही बच्चों के अंदर आएगा। और परिवार में भी जैसे आप बच्चे को डांटते हैं, समझे, बच्चे को डांटते हैं, कुछ बोलते हैं, तो मम्मी क्या करती है, उसका प्रोटेक्शन करती है, समझे, या उसके दादा दादी है वो उनका प्रोटेक्शन करते हैं, आपकी डांट का कोई असर नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार मम्मी पप्पा को भी समझना है। जब एक मम्मी या कोई भी उसके साथ डांट कर रहे हैं या उसको समझा रहे हैं तो बीच में इंटरफियर नहीं होना है।
अगर वो उनको ही मालूम नहीं होता है हाथ चल दो बोबरंग ना करो गारंटार छोकरा बड़ो जाओ बिचारो जो हमारा स्कूल में आया था सही को कॉमन वाक्य की हाँ बस रखो पांच बार भाई कहते मम्मी चेंज है आफ्टर मैं आउट कर इसलिए पुराने अंदर माम दे मम्मी पर बाजार कच कट कर मम्मी चेंज है क्या ठप्पो आप तारे कोई उपराणु लेवल ना हो पी बात करजो ते ये स्कूले गए ते कई बात करवा दादा ने प्रेम हो दादा खुश थी जाए हाँ आज बहुत बड़ा एक पहले जैसे सड़क तो प्रश्न आज पप्पा जमवा बैठो मोबाइल चालू हो जमते हो तो खाता नहीं आवड़त शू बीच देखते ये शरीर का धर्म है शरीर का धर्म है जो देखेगा वो ही करने को जाएगा ये शरीर का धर्म है आप जितना उसको उसके साथ बात करते हैं उसका असर इतना नहीं है जितना आपका बिहेवियर का असर है उसको कंप्यूटर आता ही नहीं है और तुम उसको जॉब में रखते हो और बोलते हो कंप्यूटर का काम करो फिर चिल्लाते रहते हो उसको आता नहीं है कब कब आएगा उसको सर्टिफाइड ही नहीं है जैसा आजकल माँ बाप ही सर्टिफाइड नहीं है अनसर्टिफाइड है समझे हर एक का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो शादी की तो बच्चा हो गया तो बाप हो गया बस ये तो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सब बच्चे करते ही है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझे ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक छोकरा ना माँ बाप की जे जवाबदारी छे ये नरेंद्र मोदी करता पण मोटी जवाबदारी छे छोकरा ने संस्कार आपो के जेवी तो ये वस्तु छे पहले आप ही उसको बिगाड़ते हैं आप ही बिगाड़ते हैं फिर सुधारने के लिए चिल्लाते हैं होटल में आप ही ले जाते हो ना तो बच्चा जाता है रेस्टोरेंट में आप ही ले जाते हो ना आपने तो बताया उसको फिर वो उधर ही जाएगा ना फिर चिल्लाते हैं वो बच्चों को घर का खाना अच्छा नहीं लगता है ये रोटी अच्छी नहीं लगती है वो अच्छा नहीं लगता है इसको तो चाइनीज चाहिए भाजी पाव चाहिए तमें तो सिखवाड़ी हुए ने माँ बाप नी वधारे पड़ती लागणी छोकराओ प्रत्ये ए एना संस्कार बगड़वानुं मोटामां मोटुं कारण छे કે માગે એને અપાઈ દેવું એવું નહીં એને જરૂર છે એને જરૂર છે એટલું ખબર આવી જાય ને એ રડે તો તમે શું ઢીલા પડો છો પણ
એક કલાક સંડાસ માં પૂરી દે સીધો થઈ જાય, પણ એ મમ્મી માં તાકાત જ નથી. એટલે એને ખબર પડી જાય હું રડીશ એટલે મને મળી જ જશે. રસ્તા વચ્ચે બેસી જાય તો આ બધા બહુ દયાળુ બિચારા. અને છોર બેસી રહ્યો સ્ટ્રીક થવું પડે. શું થવું પડે? સ્ટ્રીક થવું પડે. દસ વાગે એટલે ઘરના બારણા બંધ થઈ જશે. ઘરમાં શું હોય તો દસ વાગ્યા પેલા આવી જવાનું. બસ ઘણો બહાર રહે તો શું ચિંતા તમારે? દસ વાગે એટલે ઘરનું બારણું બંધ. બસ આવા સ્ટ્રીક મા બાપ હોય તારે એનું થાય ઘડતર, એમનું ના થાય. અપને કો માલુમ હોના ચાહિએ ને કે બચ્ચો કો કિસ તરહ સંસ્કાર દેને હૈ. और हमारे भी नहीं होंगे तो हम क्या देंगे? झगड़ते रहते हैं ड्रॉइंग रूम में, हंसते हैं सोफे पे बैठकर, बहुत हंसते हैं, और बेडरूम में जाकर फंसते हैं. तो ये जीवन है. क्या जीवन है? एक जीवन है. बच्चों को समझाना है. क्या करना है? समझाना है. और उसको जब समझाएंगे तो आप घर के अंदर होंगे या नहीं होंगे वो उस समझ के हिसाब से वो जिएगा. मगर आपने डांटा उसको, बड़ी शिक्षा की, समझे, तो वो मन के अंदर अभी तो बोलेगा नहीं. अभी 3 साल का 5 साल का है, मगर वो मन के अंदर उसको धीरे धीरे अंतर बढ़ता जाएगा. समझे, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. जैसे बड़ा होगा ना, बड़ा मतलब क्या, 16 साल तक आप जैसा उसको संस्कार देना चाहते हैं दे सकते हैं. 16 साल के बाद खत्म हो गई बात. फिर मेहनत मत करना, वो उसकी बहू आएगी वो सब संस्कार देगी. आपके पास एसएससी सुधी छे बस. छोकरो होय के छोकरी, तमारी लिमिट क्या सुधी छे? एसएससी सुधी. तमारे ने जे समझावू होय जे करो करे तो बस. पछी मेहनत करता नहीं तमे. ऐसा है क्योंकि ये जगत की जो वास्तविकता है वो दादा भगवान ने देखी और वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये सब बातें हमें बताई है. कितनी बड़ी बात है. अनसर्टिफाइड फादर एंड मदर. तू खाता खाता टीवी जुए छो तो पछी छोकराने शू संस्कार आपवानो छो तू? कितनी मोटी भयंकर भूल छे. એક બાજુ મોબાઈલ ચાલુ હોય તો છોકરાને ખવડાવતા હોય. અરે ભૂખ લાગશે તો એની મેળે જ ખાશે, પણ મમ્મી ને શું છે ખવડાવી દઉં એને. અલાને નથી ખાવું બાપા, ના કોઈ રહ્યો ને ભૂખ લાગશે ને તમે હુઈ ગયા છો, ડબ્બા ખોલીને ખાઈ લેશે, તમને પૂછવાય નહીં રે. નથી ભાવતો તો કઈ વાંધો નહીં. માતા પિતા કો તો કા બુદ્ધિ નહીં, થોડી બુદ્ધિ બુદ્ધિ તો મારે નહીં. ऐसा सोचता है, ऐसा सोचता है और गलत तरीके से जवाब देना मानता भी. मां बाप को भी कभी ऐसा नहीं बोलना है कि मैंने तेरे लिए ये किया ने वो किया ने, ऐसा कोई नहीं बोलता. तो मां बाप की जिम्मेदारी है उसको पढ़ाना, अच्छा एजुकेशन देना, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अधिकतर नहीं बोलते कि हमने ये किया, लेकिन फिर भी हाँ वो तो होता है. बोलते हैं कि क्या किया? कुछ नहीं किया हमने, क्या किया तू मेरे लिए, क्या करेगा
वो तो चाहते हैं, कुछ नहीं किया नहीं है, चलो हमने तो कुछ नहीं किया मान लो, ऐसा है एक मेंटालिटी है, कुछ नहीं। फिर उस समय जो माँ बाप को दुख होता है ऐसा निकला, मगर वो उनको मालूम नहीं है कि उनकी जो ओवर फीलिंग्स है, नॉर्मलिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसमें जरूरत है वो पूरी करने की है, मगर जो वो जो मांगे वो दे देने का ऐसा नहीं होना चाहिए। अब माँ बाप को इस समय उनकी सहन करना है कि वो सुनाएंगे और माँ बाप सहन नहीं करना है, मगर सुनना तो नहीं पड़ता है, मतलब वो समझने का है क्या करना है, इसलिए भीतर दुख किसको होता है, लड़की को होता है या माँ बाप को होता है, अपने को वो देखना है।